और डेट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बेसिक 12 ऐप की मदद से इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हो। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो करना ही, साथ ही अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे का जो आइकन मिलेगा उसे आपको प्रेस कर लेना है, ताकि आगे से जब भी मैं कोई ऐसे ही कमाल की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा गाइज। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या आईडी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बेसिक 12 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपने मतलब इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, मेरे पास ये रही बेसिक 12 ऐप, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, ओपन होने के बाद इस तरह का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फोटो क्लिक करना चाहो तो कर लेना, आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को जो है ऐड करना है। जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को आपको ऐड करना है। यहाँ ऊपर एल्बम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो को मतलब जहाँ भी रखे हो सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से अपने फोटो को जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्यूटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ताकि हमारा फेस जो है स्मूथ हो जाए। अगर आपके फेस पे थोड़ी सी पिंपल्स है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे ब्यूटी वाले ऑप्शन में आके यहाँ आपको एक स्किन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद इसकी अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है, आपको जितना चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं इसे 63 के अराउंड रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिएगा इस DSLR। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे फोटो का बैकग्राउंड ब्लूर नहीं है, तो आप इसे बैकग्राउंड ब्लूर कर सकते हो DSLR वाले ऑप्शन से। बहुत ही अच्छा तरीके से स्मूथली आपके बैकग्राउंड को ब्लूर करता है गाइज, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके फोटो का बैकग्राउंड मतलब DSLR से ना लिया गया हो, एकदम कमाल की होगी। तो इस तरीके से आपको ब्लूर कर लेना है। आपको अपने फेस पे सिर्फ टैप कर देना है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी बैकग्राउंड अच्छे तरीके से ब्लूर हो जाएगी। तो मेरी बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लूर है, तो मैं सिंपली इसे अंडू कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको नीचे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और मेरे भाई, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी लक्स, जो कि फर्स्ट नंबर पे ही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसकी अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है, मतलब इससे आप आपको करीब इतना रख देना है, वो 40 के अराउंड आपको रखना है। और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको नीचे साइन का मार्क मिलेगा, इस पर क्लिक करके डन कर देना है। तो B612 में आपकी फ़ोटो का जो है मतलब इतनी क्वालिटी भी आपके फ़ोटो के अंदर आ जाएगी, उसके बाद बैकग्राउंड भी ब्लूर हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा। आप सिंपली ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। और गाइज, अब इस फोटो को हम ओपन करेंगे PicsArt ऐप में। बहुत सिंपल है, आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, अगर आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। आपको यहाँ PicsArt ऐप पे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके। इस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको यहाँ प्लस का भी आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को ऐड करना है, जो कि हमने अभी B612 ऐप में एडिट करा था। तो गाइस, ये रही हमारी फोटो, मैं सिंपली यहाँ से ऐड कर लिया हूँ। ऐड कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको मिलेगी फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन सेचुरेशन, तो आपको फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेचुरेशन पे, और इसकी अमाउंट को आपको पूरा फुल कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से करीब इतना ही रखता हूँ, आप फुल भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक करना है आपको, और अपने फोटो को जूम करना है। ठीक है, जूम करने के बाद गाइज अब अपने फेस से जो और हैंड से इरेज करना है, उसके लिए यहाँ इरेज को सिलेक्ट करना है और अपने फोटो को जूम करना है, और इस तरीके से गाइज आपको इरेज कर देना है। अपने फेस और हैंड से आपको इसका इफेक्ट हटा देना है, इरेज कर देना है, ताकि आपकी फेस और हैंड जो है रेड रेड कलर की ना दिखे, नहीं तो आपकी फ़ोटो में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरीके से गाइज हटा लेना है। तो मैं यहाँ से हटा लिया, और सिंपली साइन वाले मार्क पे क्लिक करना है। अभी यहाँ से क्लियरिटी को भी बढ़ा सकते हो, ताकि आपका जो है बैकग्राउंड एक CB वाला बैकग्राउंड बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लियरिटी को भी बढ़ा लिया हूँ, और जहाँ पे आपका इरेज ना हुआ वो आप कर भी सकते हो। और उसके बाद साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। तो गाइज मैं इसकी क्लियरिटी को कम कर देता हूँ, फिलहाल अच्छा लग रहा है। तो गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख लीजिएगा, ये रहे इफेक्ट्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। FX जिस पे लिखा हुआ है, इस पे आने के बाद आपको सबसे लास्ट में आपको चले जाना है। देख लीजिएगा, सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ आपको मिलेगी कलर्स,
इस पर क्लिक करना है। कलर सिलेक्ट के बाद बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी कलर रिप्लेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है जो कि थर्ड नंबर पे है। और अपने बैकग्राउंड के किसी एक पर्टिकुलर जगह जो कि मतलब बैकग्राउंड जैसे हरा भरा है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरा हो वहाँ पे छोड़ देना है। और इसके रिप्लेस ह्यू को आपको इस तरीके से घटाना है, चेंज करना है। तो आप जो भी कलर मतलब रखना चाहो रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप ये कलर रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। फिलहाल मुझे रेड करना है तो मैं पूरा रेड कर दूंगा, ठीक है। पूरा मतलब आपको जीरो कर देना है, लेफ्ट साइड की ओर आपको पूरा लेकर चले जाना है, वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दूसरे प्लस पे क्लिक करना है और जो बैकग्राउंड का पार्ट जो है बना हुआ हो रेड उसको भी सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ही रिप्लेसिव को जीरो कर देंगे। और गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको ऊपर साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और काफ़ी गजब की एडिटिंग कर लेना है। अब इस फोटो को सेव करना है, हमें सेव करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऊपर ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको नीचे जो है ऑप्शन मिल जाए, ऊपर जो है आपको मिलेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव इमेज पर क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।